साथियों, आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। ये सिर्फ हिमाचल या लेह लद्दाख इतना सीमित नहीं है, एक प्रकार से अटल जी के विजन का पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अटल जी ही थे जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और उसके निर्माण का मार्ग बनाया था। अटल जी के नाम पर इस टनल का नामकरण होना हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है। साथियों, मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि मैं उन दिनों में संगठन का काम करता था, हिमाचल में रहा करता था और जब भी अटल जी का मनाली आना होता था प्रधानमंत्री के रूप में भी, तो स्वाभाविक रूप से एक संगठन की जिम्मेवारी होने के कारण मैं भी वहां रहता था। और ये जो सारा मंथन चला था इस कार्यक्रम का, इस योजना का, तो मुझे भी बड़ी नजदीक से, बड़ी बारीकी से इन चीजों को सुनने का, समझने का मौका मिला था। तब कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को अटल जी के नाम से जोड़ने का आज सौभाग्य मिलेगा। करगिल के युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन साथ साथ लेह लद्दाख और करगिल ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय से बहुत करीब था। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो शांता कुमार जी, जो कभी हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहा करते थे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, शांता कुमार जी के नेतृत्व में उस समय पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था। लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान पर इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था,
विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है।